जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत जेडीए कॉलोनी में दो सगे भाइयों पर चार बदमाशों द्वारा चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद हमले में घायल युवक रितेश ठाकुर उर्फ छोटू की मौत हो गई। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों ने मृतक का शव तिलवारा थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया और पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, जहां परिजनों का कहना है कि बिना किसी बात के रितेश ठाकुर पर हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। वहीं पूरे मामले में सीएसपी बरगी सुनील कुमार नेमा ने बताया कि मामले में आरोपियों की पतासाजी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ नहीं, मैं और मेरा छोटा भाई लोग काम से आ रहे हैं दोनों, मेरा नितेश ठाकुर मेरा भाई जो कि मृतावस्था में भी पड़ा हुआ है। तो वहाँ से हम लोग लौटे, रिंकू साहू की दुकान के पास हम लोग आग ताप रहे रहे। तो वहाँ पर मनु श्रीवास और अमित ताकड़े और एक और सत्यम दुबे और पीछे शारदा सोनी ने आवाज़ मारी कि इनको पकड़ो, उसने पकड़ के रखा रहा हम लोग को। और उतने में मनु ने खंजर निकाला और एक ने अमित ताकड़े ने तलवार निकाली, एक ने बेसबॉल निकाला और रिंकू साहू बोलता है कि हाँ मारते और काकू रहा उस पर। मानने की वजह क्या है? ये कल रात्रि में थाना तिलवारा क्षेत्र अंतर्गत बाजना मठ के पास जेडीए कॉलोनी में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक नितेश और छोटू की मृत्यु हो गई है। इस घटना में उसका भाई अंचल ठाकुर भी घायल हुआ है और जिस युवक पर आरोप है मनु, वो भी घायल स्थिति में है। ये सभी मेडिकल कॉलेज दोनों, अंचल वहाँ भर्ती रहा और मनु श्रीवास वहाँ पर भर्ती है। घटना का कारण तात्कालिक बताया जा रहा है कि इनके बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और जो घटना चाकूबाजी में बदल गई। और इस घटना के बाद आज इसके मृतक के शव परीक्षण कराया गया था मेडिकल कॉलेज जबलपुर से।